चरित्र का वर्णन हुआ है, इसीलिए हम कहा करते हैं भक्त आने वाले समय में तुम 36,000 वर्ष तक इस धरती के राजा बन करके राज्य करोगे और हम तुम्हें वरदान देते हैं। ये राज सिंहासन क्या चीज है मेरे भक्त, मैं तुम्हें वह दिव्य स्थान प्रदान कर रहा हूँ, वह ध्रुव लोक मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, जो दिव्य स्थान आज तक किसी को भी नहीं मिला। तुम्हारे नाम से ही उस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। सबसे से जिसकी परिक्रमा किया करेंगे वह दिव्य स्थान मैं तुम्हें प्रदान करता भाई और बहनों। यह भगवान के एक प्रिय भक्त के हृदय में भक्ति का जागरण और उस प्रिय भक्त के भक्ति के वशीभूत भगवान हो गए, इसलिए मधुबन में आकर भगवान ने दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कार्य कितना भी कठिन हो, कार्य कितना भी दुष्कर हो, कठिन से कठिन कार्य भी अगर कोई लगन से करे, मन से करे, तो उसे कार्य में से सिद्धि मिलती है। देखो राजन, 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो निष्ठापूर्वक यदि हम भी कुछ करने का संकल्प करते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है, हमें सफलता मिलती है। जिस प्रकार 5 वर्ष के उस बालक को दृढ़ निश्चय करने पर, अटल निश्चय करने पर भगवान दर्शन देने के लिए इसे आए हुए हैं, आज भगवान का दिव्य दर्शन उस प्रिय बालक प्रिय भक्त को प्राप्त हुआ।
और यही भक्ति की बड़ी महिमा है। इसने कह दिया कि हमारे जीवन के सभी विशिष्ट उत्कृष्ट गुणों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ गुण है तो वह है उस परमात्मा उस भगवान के लिए भक्ति। इसलिए भक्तिमय जीवन हो, हमारे गृहस्थ जीवन का हर निर्णय ही धर्म पर आधारित हो। धर्म ही हम कुछ भी ना करें अपने धर्म के लिए आस्थावान बने रहें। छोटे छोटे निर्णय धर्म को ध्यान में रखकर करना चाहिए और ऐसे प्रेम के नींव पर धर्म पर आधारित जब आपको गृहस्थ हो जाएगा और प्रेम के नींव पर आपका जब वह घर खड़ा होगा तो आपका वह घर धर्म नहीं रहेगा। उस दिन भगवान कहते हैं तुम्हारा घर तो मेरा मंदिर बन गया और तुम्हारे इस मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं बड़ा आतुर रहता हूँ कि कब मैं तुम्हारे मंदिर में आऊँ। तो मेरे भाई और बहनों, पहले तो अपने घर को हमको मंदिर बनाना पड़ेगा, फिर उस प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है। चंदन है इस देसी माटी तपो भूमि हर ग्राम है, चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है इस बाबा का। हमें अपने गृहस्थ जीवन को आदर्श संस्कार दिव्य गुण ये सारी विशिष्टताएं आपके जीवन में हो और यह बताने के लिए यह जीवन में प्रयोग के तौर पर उतारने के लिए ये भागवत की कथाएं होती हैं। हम भागवत कथा से यह प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य करें और रोज रोज की कथाओं में नई प्रेरणाएं आती रहेंगी। इसलिए भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा है। ये केवल कथा नहीं है, ये केवल स्टोरी नहीं है, ये कोई केवल कहानी नहीं है, यह तो हमारे जीवन में उतारने की वो पद्धति है जिससे हमारा जीवन ही अपने आप सफल हो जाएगा। हम दिव्य गुणों वाले बन जाएंगे, हम एक विशिष्ट मानव के रूप में हमारी पहचान बनेगी। तो भागवत आपको भगवत परायण बनाता है। भगवत परायण बनने के लिए हम शेष और जो 5 दिन है यहाँ